आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम अखबार की सुर्खियों में। सुबह सुबह जो अखबार होता है लोग पढ़ते हैं, तो अखबार की जो खबरें हैं, ताजा खबरें आज हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। तो बात करते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की जो बहुत दर्दनाक तस्वीरें वहां से आई थी। देखिए ट्रेन की चपेट में आई स्कूल वैन और 13 बच्चों की मौत और 4 बच्चों की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले के दुदही रेलवे स्टेशन के पास बीते गुरुवार सुबह मानव रहित क्रॉसिंग पर एक स्कूल वैन के पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से 13 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए। सभी बच्चे डिवाइन पब्लिक स्कूल के छात्र थे। उत्तर पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने बताया कि हादसा कुशीनगर जिले के कप्तानगंज थावे रेलखंड पर दुदही रेलवे स्टेशन के पास एक मानव रहित जो रेलवे क्रॉसिंग है वहां पर हुआ, और बताया जा रहा है कि जो हादसा हुआ है कहीं ना कहीं उसमें जो कह सकते हैं ड्राइवर है उसकी लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि जो ड्राइवर था वो कान में ईयरफोन लगा रखा था और उसके ईयरफोन लगाने से जो है ये दुर्घटना घट गई और ट्रेन की चपेट में जो है स्कूल वैन आ गई। रुक कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर का। देखिए केंद्र सरकार ने फाइल कॉलिजियम को लौटाई है। जी हाँ, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम से उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ को शीर्ष अदालत में न्यायाधीश बनाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने को कहकर न्यायपालिका के साथ नए टकराव को जन्म दिया है। सरकार ने बीते गुरुवार को कहा कि न्यायमूर्ति जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करना उचित नहीं होगा। सरकार को कॉलेजियम के मुखिया प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा से तुरंत समर्थन मिला। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि कार्यपालिका को न्यायमूर्ति जोसेफ का नाम पुनर्विचार के लिए वापस भेजने और दूसरे नाम को स्वीकार करने का पूरा हक है। भले ही दोनों नामों की सिफारिश एक साथ कॉलेजियम ने की थी, वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए सिफारिश कॉलेजियम ने इस साल जनवरी में की थी। यानी केंद्र सरकार ने फाइल कॉलेजियम को जो है वापस लौटा दिया है। और देखिए अगली जो बड़ी खबर है उसके रुख करते हैं। मोदी और शी की दोस्ताना वार्ता आज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी अनौपचारिकता शिखर वार्ता से दीर्घकालिक सकारात्मक नतीजों की उम्मीद जताई है। चीन के वुहान शहर में दोनों के बीच 27 और 28 अप्रैल को वार्ता होगी, जिसमें दोनों नेता वैश्विक और परस्पर द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए बीते गुरुवार को मोदी चीन चले गए। यानी कि चीन और कह सकते हैं कि भारत के रिश्ते को और बेहतर बनाने के लिए पीएम मोदी चीन गए हैं, और ताकि रिश्तों में या और जो है अच्छा सुधार आ सके। और देखिए बात कर लेते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की। देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले का मौसम शुरू। दिल्ली विश्वविद्यालय में शुक्रवार से 2 दिवसीय संवाद सत्र के साथ ही शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए दाखिलों का मौसम शुरू हो जाएगा। विश्वविद्यालय पहली बार प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले स्कूली विद्यार्थियों के साथ संवाद सत्र का आयोजन करने जा रहा है। इस दौरान विद्यार्थियों को स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया से रूबरू कराया जाएगा। इसके अलावा उन्हें इस बार ऑनलाइन आवेदन में जोड़े गए नए फीचर के बारे में बताया जाएगा। मई के पहले सप्ताह में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पोर्टल शुरू होने की भी संभावना है। यानी कि पोर्टल जो है शुरू होने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात है कि अब की बार जो है कि जो छात्र एडमिशन लेने आएंगे उनके साथ जो है वार्ता की जाएगी। ये कहीं ना कहीं उनसे पूछा जाएगा कि और जो है उनका टेस्ट भी लिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक अच्छी बात है। और देखिए बात करते हैं ममता कुलकर्णी की संपत्ति की। देखिए ममता कुलकर्णी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश। मादक द्रव्य रोधी अदालत ने कहा यहां बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। साल 2016 में थाने पुलिस ने कई करोड़ रुपए का कारोबार करने वाले एक मादक पदार्थ गिरोह का पर्दाफाश किया था, जिसमें मुख्य आरोपियों में ममता कुलकर्णी भी शामिल है। यानी कि ममता कुलकर्णी भी शामिल है और उनकी संपत्ति जो है कुर्क करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया है। तो देखिए ये कोर्ट की तरफ से फैसला आया है और कोर्ट जो है आगे देखेगा क्या इस पर काम करना है।
और देखिए हम बड़ी खबर की और बात कर लेते हैं। भाजपा ने कर्नाटक चुनाव में 8 दागियों को दिए टिकट। जी हां, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते गुरुवार को दावा किया कि भाजपा ने आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 8 दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। राहुल ने भ्रष्टाचार पर बोलने के लिए प्रधानमंत्री के अधिकार पर सवाल भी उठाया। राहुल ने एक रोड शो के दौरान बिना किसी का नाम लिए आरोप लगाया कि भाजपा ने 8 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के आरोपी हैं और कर्नाटक में जल्दी विधानसभा के चुनाव होने वाले, और ऐसे में जिस तरह से राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है दागी नेताओं को जो है टिकट दे रही है, हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं बताया, लेकिन देखिए चुनाव का जब माहौल आ जाता है तो इस तरह से देखने को मिलता है कि अपने पाले में जो है ऐसे नेताओं को भी शामिल कर लिया जाता है जिन पर दागी हो। और देखिए हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान अखबार ने जो बड़ी खबर छापी है देखिए वो यही है, कुशीनगर की छापी है। बच्चों के लिए काला था गुरुवार, काला गुरुवार था। यूपी के कुशीनगर में बच्चों को लेकर स्कूल जा रही वैन दुदही रेलवे स्टेशन के पास मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन से टकरा गई। हादसे में 13 बच्चों की मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल 4 बच्चों और वैन चालक को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। बहपुरवा रेलवे क्रॉसिंग पर सुबह 6:50 पे हादसे के बाद चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों ने यूपी 100 और 108 एम्बुलेंस की मदद के लिए सभी यानी कि एम्बुलेंस और पुलिस को बुलाया और ताकि जो है फटाफट काम किया जा सके। लेकिन बात कर रहे हैं इस खबर की, तो इसमें कहीं ना कहीं ड्राइवर की लापरवाही देखने को मिली है और ड्राइवर की लापरवाही के चलते इतना बड़ा जो है हादसा हुआ। देखिए यूपी के कुशीनगर से दिल जला देने वाली खबर आई थी, लेकिन दिल्ली से भी एक दिल जला देने वाली खबर आई थी। जी हाँ, दिल्ली में भी बच्चों से भरी वैन में जो है टैंकर ने टक्कर मार दी थी। केशवपुरम इलाके में केंद्रीय विद्यालय के बच्चों को ले जा रही निजी स्कूल वैन बीते गुरुवार सुबह एक दूर टैंकर से टकरा गई। हादसे में कक्षा 2 के छात्र की मौत हो गई जबकि 17 बच्चे घायल हो गए। 2 की हालत जो है वो गंभीर है और सुबह करीब 6:30 बजे वैन वजीरपुर जे कॉलोनी से बच्चों को लेकर रवाना हुई थी। तो देखिए तेज रफ्तार भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बताया जा सकता है कि तेज रफ्तार के चलते इस तरह के हादसे होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ड्राइविंग करते हैं और खास तौर पर जब स्कूल के बच्चों को ले जाते हैं जो ड्राइवर होते हैं वैन के, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपनी जो स्पीड है उस पर नियंत्रण करना चाहिए ताकि कोई हादसा ना हो और साथ ही साथ जो मासूम बच्चे उनकी वैन में सवार हैं वो भी सुरक्षित रहें। और देखिए अगर हम बात करते हैं बड़ी खबर की जो है वो भी यही है अगली, जिसमें देखिए ये बताया गया है कि बदमाशों ने 40 सेकंड में वारदात को अंजाम दिया। नरेला इलाके में फिल्मी स्टाइल में आए बाइक सवार बदमाशों ने महज 40 सेकंड में हत्या एवं कैश वैन लूट की वारदात को अंजाम दिया। बेहद ही पेशेवर ढंग से दोपहर करीब 2:30 बजे बाइक सवारों ने कैश वैन के कर्मचारियों पर करीब 25 राउंड फायरिंग भी की। दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाली जगह पर बेखौफ बदमाशों की फायरिंग की वजह से पूरा इलाका थर्रा उठा। बदमाशों ने लोगों के डर का फायदा उठाया और वैन से 12 लाख रुपए लेकर आराम से फरार हो गए। चूंकि तीनों युवक हेलमेट पहने हुए थे इसलिए किसी ने उनकी शक्ल भी नहीं देखी। देखिए पुलिस जो है मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन जिस तरह से बेखौफ बदमाश है उस पर कहीं ना कहीं पुलिस को अंकुश लगाना चाहिए, पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह की वारदात बदमाश ना कर सके। देखिए अब बात करते हैं पानी बर्बाद करने पर कार्रवाई होगी, ये कहना है चावला का। जनकपुरी पश्चिम से पार्षद नरेंद्र चावला गुरुवार को दक्षिणी निगम के मेयर चुने गए। विशेष सदन की बैठक में उनका चयन निर्विरोध हुआ। मेयर पद संभालने के बाद उन्होंने पानी बर्बाद करने वालों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अब उनकी खैर नहीं, पानी बर्बाद किया तो कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, देखिए दिल्ली में पानी की किल्लत वैसे देखने को मिल रही है और 4-4 दिन तक जो है पानी नहीं आ रहा, तो ऐसे में देखिए पानी की बर्बादी करने से अच्छा है कि जितना जरूरत हो पानी का इस्तेमाल उतना किया जाए और कहीं ना कहीं पानी को सेफ रखा जाए ताकि और लोगों की जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हो सके। और देखिए अब बात कर लेते हैं गुरुग्राम में नमाज से रोकने पर 6 गिरफ्तार। सेक्टर 53 थाना क्षेत्र में बीते शुक्रवार को नमाज पढ़ रहे लोगों को हटाने और नारेबाजी करने के विरोध में पुलिस ने 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। सभी युवकों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया जहां से सभी को भोंसी
जेल ले जाया गया। शुक्रवार को दोबारा जुम्मे की नमाज पढ़ी जानी है, ऐसे में पुलिस की मुस्तैद रहेगी। यानी कि देखिए, इस तरह जो किया जाता है ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हर धर्म का अपना महत्व होता है और सभी जो धर्म के लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, नमाज अदा करते हैं। तो इस तरह की जो यहाँ पर बात हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। और देखिए, अब बात कर लेते हैं खेल की। तो हाँ, देखिए, पंजाब ने हैदराबाद को 132 रन पर थामा। शानदार प्रदर्शन कर रही किंग्स इलेवन पंजाब के सामने गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी मुश्किल में नजर आई। तेज गेंदबाज अंकित राजपूत की घातक गेंदबाजी के बूते पंजाब ने आईपीएल मुकाबले में हैदराबाद को उसके घरेलू मैदान पर 6 विकेट पर सिर्फ 132 रन पर थाम दिया। पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। और देखिए, किंग्स इलेवन पंजाब के लिए तेज गेंदबाज अंकित राजपूत ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए। उन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की और 4 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए। तो देखिए, इस तरह से पंजाब ने हैदराबाद को 132 रन पर थाम दिया। और आईपीएल जब भी शुरू होता है तो जो उनके फैंस हैं आईपीएल देखने वाले, तो कहीं ना कहीं वो बहुत जो है चाव से देखते हैं और जो है इस मैच का काफ़ी लुत्फ भी उठाते हैं। तो आज के इस अखबार की सुर्खियों में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।